Hello and welcome back to Teacher Tycoon. Here you get videos on teaching and lifestyle. और आज मैंने अपना वीडियो व्लॉग किया है चिल्ड्रंस डे स्पेशल के लिए. सो लेट्स बिगिन. मेरी दिन की शुरुआत आपको पता है 4:45 बजे होती है. आफ्टर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ केयर वगैरह मैं अपने काम करने किचन में जा रही हूँ. हमेशा ही मैं अपने दिन की शुरुआत एक डिटॉक्स ड्रिंक के साथ करती हूँ. कल थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था तो शायद इसीलिए मेरा प्लान बन गया कि मैं अजवाइन वाटर ले लूँ. सोया उसी की तैयारी चल रही है. स्टोव लगा दिया, पानी डाल के उसमें अजवाइन और पानी डाल रही हूँ. इसे रख दिया बॉइल करने. अभी चीज़ें फ्रिज से निकाली. आज प्लान है एग मायो सैंडविच बनाने का. मैंने अपने चैनल पे एग मायो सैंडविच का पूरा डिटेल में वीडियो बना के रखा है. सो आप कभी भी उसे देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी. सो यहाँ पे फ्रिज में से अंडे निकालने के बाद मैं उसे बॉईल करने रख रही हूँ पानी फिल करके फॉर 10 मिनट्स. डिटॉक्स टी को ज़बरदस्त सा बॉईल आया है. कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. सो यार मैं को ये प्रेफर ऐसे ही करती हूँ कि मैं इसे स्ट्रेन नहीं करती. मैं चाहे ऐसे ही पीना अच्छा लगता है क्योंकि जब मेरा 1 मग कम्प्लीट हो जाता है तो मैं इसी में दोबारा से पानी डालती हूँ. और स्कूल जाने से पहले कम से कम ये 2 भर के मग मुझे पीना पसंद है. पता नहीं मैं इसे स्टर क्यों कर रही थी. या जब अंडे बॉईल हो रहे थे तो मेरा कुछ काम रह गया था करने का. ईमेल सेंड करना था एक. तो या एक्चुअली मैं सुबह कभी काम नहीं करती बट काम रह गया था. और आज कोई और दूसरा काम करना नहीं था, बस सैंडविचेस ही बनाने थे. सो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो उस टाइम में मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया. और पता नहीं मैं यहाँ वाकई देख रही हूँ और पता नहीं क्या सोच रही हूँ. और मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैं रिकॉर्ड हो रही हूँ. सो आई शुड जस्ट बी अ लिटिल बिट कूल. ईमेल कर लिया मैंने सेंड, लैपटॉप कर लिया मैंने बंद. एग्स बॉईल हो गए थे तो उसे बंद करके आई फेल्ट लाइक थोड़ा सा सिप सिप करके ये पानी पी लूँ. सो पीछा ही पी रही थी और पता नहीं क्या इतना सोचती हूँ मैं सुबह को. हाँ तो मैं आपको ये भूलने भूल गई कि मैं ये जो मग पे फ़ोटो है वो मेरे हस्बैंड है. या एकदम से मुझे याद है कि मुझे उसे दिखाना चाहिए. ये देखिए तो ये मेरे हस्बैंड है. ये उनकी बहुत पुरानी फ़ोटो है बट ये बहुत मज़े की, मुझे बहुत अच्छी लगती है. जो वेजिटेबल्स है मैंने रात को ही चॉप करके रखे थे उसमें टमाटो ककड़ी कैप्सिकम. अब इसमें कैबेज वगैरह भी डाल सकते हो. अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है कि एग मायो सैंडविच कैसे बनाते हैं तो आप जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसके लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आपको वो रेसिपी मिल जाएगी. तो यहाँ पे मैंने अंडे छील दिए हैं और अब इनको मैं ग्रेट करने वाली हूँ. ग्रेट करते वक्त मैं आपको एक बात कहूँगी कि जब आपका ग्रेट करके हो जाएगा सो जो ये ग्रेटर है इमीजिएटली आप वो मिक्स करने से भी पहले जो स्टफ़ है वो मिक्स करने से भी पहले धो के रखिए. उससे क्या होता है कि जो ग्रेटर के जो ये पार्टिकल्स हो उस पर चिटक जाते हैं वो उस पर स्टिक नहीं होते और जल्दी से निकल जाते हैं और क्लीनिंग में भी काफ़ी आसानी होती है. झट झट से पूरा बैटर बना देते हैं, स्टफिंग बना देते हैं सैंडविच की और सैंडविच बना के उसे पैक करते हैं. आज तो पूरा प्रोग्राम वाला दिन होगा, काफ़ी थकावट हो जाएगी. आने के बाद कुछ करने का दिल नहीं करेगा इसीलिए मैं अभी ही दोपहर का सैलेड की ककड़ी और टमाटर अभी कट करके रख रही हूँ. सैंडविच के साथ मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कोकम शरबत लेके जाए. तो उस कोकम शरबत के अंदर मुझे सब्जी का बीज जो है वो डालना बहुत पसंद है. सो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कोकम शरबत बना कर लेकर जाने वाली हूँ. तो उसी के लिए जब तक कि मेरा सैंडविच पैक करके हो जाएगा ये कोकम की जो बीज है वो सोक होके अच्छे से हो जाएगी. सो यहाँ पे मैंने एक अपना अच्छा सा क्लीन सा जो दुपट्टा मैं यूज़ नहीं करती वो मैंने डाल दिया है. इसी के ऊपर सैंडविच के लेयरिंग करके इसी के ऊपर सैंडविच का जो बैटर है वो स्टफ़ करके सैंडविच पैक करने लूँगी. जस्ट फॉर अ चेंज मैंने एक साइड पे ये विभा का 1000 आइलैंड मायोनीज मिंट फ्लेवर का भी एक साइड पे लगाया है जस्ट फॉर अ चेंज कि कैसा टेस्ट होता है देखने के लिए. मैं अपने लिए सैंडविच टिफिन बॉक्स में लेकर जाऊंगी बट मैं अपने हस्बैंड को इस तरह से ट्रे में देती हूँ और इसे क्लिंग रैप करती हूँ. एक्चुअली क्लिंग रैप करते वक्त मैं वीडियो लेना भूल गई. सो आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि टिफ़िन कैसा दिखता है. बच गया है 7 और मुझे बहुत कम टाइम है रेडी होने के लिए. सो लेट्स गेट रेडी.
ये है मेरा ईयरिंग ऑर्गेनाइज़र, मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। इसमें जितने भी आपको ईयरिंग्स दिख रहे हैं ये सब 20, 30, 40 रुपए के बहुत ही बजट फ्रेंडली ईयरिंग्स हैं। ये ऑर्गेनाइज़र ने तो मेरी लाइफ बहुत ही आसान की है। ये वाले ईयरिंग्स और घड़ी पहनने वाली हूँ अब मैं अपने, एक्चुअली कल रात को बैग नहीं पैक की थी। आप सोचोगे मैं इतने सारे पेन के बॉक्स लेके क्यों जा रही हूँ, वीडियो में बने रहे, आपको पता चलेगा मैं अपनी बैग कल रात को पैक करना भूल गई थी। और ये सब क्यों लेके जा रही हूँ मैं स्कूल में, जस्ट बिकॉज के आपको बने रहना पड़ेगा, आपको पता चलेगा स्कूल में जाने के बाद क्या होने वाला है। सो स्टे ट्यून टू नो फर्दर व्हाट हैपेंस। दस से पंद्रह मिनट में सब्जी का भी अच्छे से सूख हो जाता है, उसे मैंने अपने कोकम शरबत में ऐड किया है। कोकम शरबत थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई थी तो उसे थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे जो ये प्लास्टिक के रिफिल वाले जो ग्लासेस है उसके अंदर फिल करके मैं अपने टिफ़िन बैग में पैक करने वाली हूँ। सैंडविचेस जैसे बन के हो गए थे वैसे ही मैंने उन्हें पैक करके रखा था, अभी बस इसे टिफ़िन बैग्स में डालना है। मैंने साथ में सॉस लिया है और कोकम शरबत जो थोड़े टाइम पहले बनाई थी और क्लासेस में डाली थी। बस अभी से पैक करेंगे और हम चलेंगे स्कूल की तरफ। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आज चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन है, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। और ये आ गई मेरी सवारी, इसमें मैं जाने वाली हूँ। और यहाँ रिक्शा में बैठते वक्त मैंने देखा कि पीछे कोई फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स है, तो पता चला कि ये जो हमारे रिक्शा वाले अंकल है शब्बीर अंकल, उन्होंने खरीदी थी लाल माल। और ये रही नगमा मैडम, बहुत ही एक्साइटेड। बच्चों से तो स्कूल पूरा रंगीन हो गया था, बहुत ही प्रिटी, सभी ने बहुत ही कलरफुल कलरफुल ड्रेसेस पहन कर आए थे। आते साथ मैंने आज कोई अपना रिचुअल नहीं किया, हम स्ट्रेट अवे स्टाफ रूम में जाके यहाँ पर हम हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो ड्रामा में मैंने पार्ट लिया था। तो हम सब टीचर्स जो भी पार्टिसिपेंट्स थे हम सब मिलके प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने कोई प्रैक्टिस इससे पहले की नहीं थी, तो बस वही प्रैक्टिस चल रही कि कौन क्या बोलेगा, कौन कैसे बोलेगा, किसने क्या बनना है और वो सारी चीज़ें। सो या हर टाइम हम हमारे बच्चों की प्रैक्टिस लेते हैं, इस बार हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। After a blessed prayer ceremony, we all brought our children to the auditorium. These students are the primary students. Program sharp 9:15 बजे शुरू हो गया, बच्चे आके बैठ गए और यहाँ है हम जो हमारे ड्रामा का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ड्यू टू सर्टन वॉइस इश्यूज की वजह से हमारा ये जो वीडियो है वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, द वॉइस डिडंट कम आउट एज द वे वी वांटेड इट। सो मैं आपको ये समरी बताती हूँ इस प्ले का, इस किट का। ये ऐसा था कि हम सब नॉटी बच्चे बने थे, हमारी टीचर हमें बहुत सिंसियरली अच्छे से क्वेश्चंस पूछ रही थी और हम उसके बहुत फनी वे में आंसर कर रहे थे। बट जब ये पीरियड ख़त्म हो जाता है और जब नेक्स्ट टीचर आती है तो हमको वो एक अच्छा सीख दे के जाती है, एक बहुत अच्छा लाइफ लेसन सिखा के जाती है। लाइफ में हम कोई भी काम करने के लिए फ्री है लेकिन हम उसके रिजल्ट्स या उसके कॉन्सिक्वेंसेस से फ्री नहीं हैं। इट वाज अ लवली मैसेज। सॉन्ग्स, स्पीचेस, डांसेस सभी से ये प्रोग्राम एकदम ब्यूटीफुल हो गया था, बहुत ही सब बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत अच्छे से डांस भी किया। फॉर अ सरप्राइज हमारे टीचर्स जो थे उन्होंने भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा डांस किया, बच्चे बहुत खुश थे, दे ऑल वर चीयरिंग वेरी हैप्पीली, वेरी नाइसली, दे रियली हैड अ वेरी मेमोरेबल चिल्ड्रंस डे। After the program, we came back to our class. So, यहाँ पर मैं इन बच्चों को पेन as a gift दे रही हूँ। In the Diwali vacation, मैंने classes 5th A, B, C तीनों भी classes को एक challenge दिया था, 10 days handwriting challenge। और
आउट ऑफ सो मेनी चिल्ड्रन 50 चिल्ड्रन डिड इट वेरी वेल. उन्होंने बहुत अच्छे से डेली अपना 10 डेज का जो टॉपिक्स दिए थे मैंने वो उन्हें बहुत अच्छे से लिखे एंड आई वॉज सो हैप्पी. और इसीलिए मैंने उन्हें एक प्यारा सा गिफ्ट दिया और वही जो आप सुबह मैं बैग्स में इतने सारे पेन्स डाल रही थी वो इसीलिए था. तो अराउंड 50 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करके सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया. सो आई रियली फेल्ट लाइक अप्रिशिएटिंग देम विद अ स्मॉल टोकन ऑफ लव इन द फॉर्म ऑफ अ कलर्ड पेन. After gifting of the pens, in some classes we played Antakshari. Antakshari not as such like gaano ki Antakshari. Yahan pe we played places Antakshari. For example, let's take the place London which ends with an N. To N se koi aur country ka naam ya koi aur place ka naam. So Nepal ends with L. So koi aur Lahore. So, इस तरह से वी प्लेड अकॉर्डिंग टू द रोज इन द क्लास. ये एक क्लास में हमने किया, फिर एक क्लास में हमने ये फ्लिप द बॉटल बहुत ही ट्रेंडिंग गेम था तो वो हमने किया. और फिर हमने कुछ क्लैप्स जो ये बच्चे पीटी पीरियड्स में सीखते हैं वो हमने एंजॉय किए. सो इसी तरह से हमने बहुत सारे गेम्स खेले, कुछ नेशनल गेम्स खेले, कुछ फन गेम्स खेले. Wow, lovely. The next one is which one? Pepsi. Acha acha clap. जो सारे एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने खेले एक क्लास में, तो हमने डॉग एंड द बोन जो मेरे बचपन का गेम था जो हम आउटडोर्स में खेलते थे वो एक क्लास में खेला. सो यार वो गेम भी बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, उन्हें वो गेम पता भी नहीं था, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई. इसी तरह से एक ब्यूटीफुल सा जो दिन था चिल्ड्रंस डे का, एक पीसफुल बहुत एंजॉयमेंट में ये दिन ख़त्म हो गया. सो आपको ये मेरा व्लॉग कैसे लगा, डू शेयर योर व्यूज़ ऑन द व्लॉग. और अगर आपको इसी तरह के और व्लॉग्स भी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताना. और अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच्चे जा रहे, सुबह खिलखिलाते जो बच्चे आए थे अब वो हैप्पीली विथ लॉट्स ऑफ मेमोरीज जा रहे. टिल देन वी मीट अगेन, बाय.